नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला केस दर्ज। प्रयागराज में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अवैध टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर प्रयागराज पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आरोपी युवक ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी है। वीएचपी से जुड़े विपिन गुप्ता ने कौंधियारा थाने में आरोपी अजय मोहन कुशवाहा के खिलाफ धारा 153A, 295A और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 2 फरवरी को प्रयागराज आना था। दावा किया जा रहा है कि इससे एक दिन पहले प्रयागराज से सटे हुए मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास कौंधियारा इलाके के रहने वाले अजय मोहन कुशवाहा ने उनके आगमन को लेकर एक धमकी भरा बयान मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। इसमें आरोपी अजय ने धीरेन्द्र शास्त्री को प्रयागराज पहुंचने पर पीटने की धमकी दी और कहा कि वह विज्ञान के दौर में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। आरोपी अजय ने अपने बयान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर विश्व हिंदू परिषद के नेता विपिन गुप्ता ने कौंधियारा थाने में लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत के आधार पर ही आरोपी अजय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि अजय मोहन कुशवाहा ने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ही दूसरे संत महात्माओं के खिलाफ भी विवादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने आरोपी अजय को अभी गिरफ्तार नहीं किया है। प्रयागराज के यमुनानगर जोन के डीसीपी दीपक भूकर का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।